एक मिनट। अच्छा सुनो मेरी बात, जब भी कोई पोलाइटनेस से बात बोलनी हो ना कि लाइक आई वुड लाइक टू, तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अभी के लिए याद रख लो, क्योंकि कंडीशनल A1 में नहीं बताया जाता। तो ये वुड्रे मीन्स आई वुड लाइक टू, लेजर एक्टिविटीज, ठीक है, एंड योर डेली लाइफ एक्टिविटीज, अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर वो बात करेंगे। और फिर what you will be able to explain in this chapter is your choice, your preferences, and then you have to write a list, okay, and then this is a workshop thing, we won't do that. Or also Parl, acha ab dekho normal na centering sentence structure jo ab tak humne kiya hai, halanki you know more than this, but ek bar fir bhi main revision kar deta hu. Kisi bhi sentence se pehle agar hum case lagate hain to kya ban jata hai? क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, क्वेश्चन बन जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? व्हाट होता है? ठीक है, व्हाट होगा पहले ये हुई फर्स्ट थिंग। अब इसके अंदर सेकंड थिंग क्या है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में ऊ लगा दें तो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बनाने के लिए सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में ऊ लगा दें, हाँ, ऊ का पहले तो मतलब बताओ, ऊ का मतलब क्या होता है? वी या यस? अरे वी नहीं है, ऊ। अरे ऊ आविते वू, हम करते नहीं थे, ऊ आविते वू, ऊ आविते, एक मिनट मैं राइटिंग थोड़ी सी सही कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हो रिवाइज नहीं किया ना, आविते वू, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? याबित आ न्यू दिल्ली। ऑल राइट, याबित आ न्यू दिल्ली, ऊ आविते वू, वेयर डू यू लिव? गॉट इट? आइडिया क्लियर है? यस। पक्का? तो किसी भी सेंटेंस से पहले अगर ऊ लगा देते हैं, ऊ लगा देते हैं, देखो चलो इस पे ना हम बाद में आएंगे, ठीक है? रिवीजन नहीं किया क्या? चलो कोई नहीं। कैल कैल ये पता है? कैल पता है? कैल कब यूज करते हैं? कब यूज करते हैं बताओ? जब हमें किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना हो। वेरी गुड। या फिर हाँ, किसी से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। और इसके टेबल एक बार बता दूं मैं, हालांकि इसका वीडियो बना रखा है, ठीक है, इसका एक बार टेबल देख लो। इसका टेबल होगा QEL QULLE, ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, QUELS QUELLES, singular, plural, ठीक है, got it? Yes. All right. Quel loisir participez-vous? Which leisure activities you participate in? That kind of a translation it will have. All right. So now, just a second. उसपास ला सेन, सो दिस बेसिकली दिस वन एक्सरसाइज इज योर एकूते एक्सरसाइज, लिसनिंग एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो यू हैव टू लिसन टू दिस वन एंड यू हैव टू मतलब डिसाइड वेयर दिस सीन इज पासिंग ऑन। उसपास ला सेन की सोन ले जों ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन दिस सीन। ऑलराइट, एंड देन कर फोन टिल, व्हाट आर दे डूइंग एंड व्हाई? ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रियली मतलब listen to this audio and then respond to this question in order to improve your listening. All right, this is not important. All right, now these are some expressions. Acha suno beta, ye question you have to do and you have to send me as a homework. Theek hai? Are you all PC in?
means to go to the swimming pool. Écouter de la musique, listening to the music. Faire du sport, sports, voilà. Ok, jouer à un sport, playing a sport. Pratiquer une activité, activité. Or regarder la télé, meri basically ye tha, regarder la télé jab main chota tha. बेसिकली ये जो एक्सप्रेशंस है ना, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं जब आपका टाइम फ्री होता है तब क्या क्या करते हैं उन एक्टिविटीज से, टाइम फ्री उन एक्टिविटीज से रिलेटेड है ये. ठीक है, गॉट इट? इसमें कोई डाउट है? नहीं. अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे कहीं पे एक फैक्ट था, अभी मैंने पढ़ा था छोटा सा. सर वो कौन से कौन सा कॉमियन टीजर पर समन अलर. ओके हुआ. अच्छा लिखो, सुनो मेरी बात. इसके अंदर ना एक छोटी सी स्ट्रैटेजी इन लोगों ने दे रखी है कि जब भी आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्या करना होगा हमें कि हमें मतलब जब भी हम लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट वॉइसेस इन द सेंस ऑफ एक्सेंट. ठीक है, डिफरेंट एक्सेंट और डिफरेंट वॉइसेस जो होती है ना, जैसे je parle, तो वो बोल वॉइस आ कैसे रही है ना, तो उसके अंदर डिफरेंशिएट वगैरह कैसे करेंगे, वो चीज है. मतलब इन जनरल मैं बता रहा हूँ. गॉट इट? ठीक है. अब ऑब्जर्व से फ्राज je fais, ओके डोंट शक फ्राज डीप सीलेस फॉर ए ओ फेमिनिन ओ मैस्कुलिन. सो It's not important. अच्छा, always remember one thing, Ishika. Just remember one thing. जब भी आप कोई instrument play करोगे ना, जब भी आप कोई instrument play करोगे, तो उसमें UA verb आएगी. For example. गिटार वाली समझ नहीं है, चलो मैं बताता हूँ. देखो, कोई भी अगर तुम्हारे पास instrument है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लो. पियानो. पियानो. अच्छा, तो पियानो को हमेशा बजाया जाता है ना. तबला है, बजाया जाता है. डेस्क तो खैर इंडियन से बजाते हैं, मतलब वहां के लोग भी बजाते होंगे, बट कोविड है. ऑलराइट, देखो जैसे कि अभी पियानो है, तो अगर आपको बोलना है कि मैं पियानो बजाता हूं या बजाती हूं, तो क्या बोलोगे? यू द्यू पियानो. ठीक है, तो जो द्यू दला दे है ना, द्यू दला और दे, ये चीज तुम्हारी कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आएगी. ऑल राइट, क्लियर है आइडिया? पक्का? हाँ. अच्छा, अब एक बार जरा इनको पढ़ना, इनको ढंग से पढ़ना. ठीक है, इसको पढ़ना है हमें. पेज नंबर है एक मिनट, 61. पेज नंबर 61 है. ठीक है, एंड व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज यू विल गोइंग टू कवर दिस थिंग. ये चीज कवर करनी है पूरी. ये पढ़ना है और मुझे अपनी एक्टिविटी बतानी है तुम्हें कि तुम्हें क्या पसंद है. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. अब देखो, इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में हम आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे थे, जैसे ये आर्टिकल्स है ना. अच्छा, इसमें से अब क्या करना है ना, इसमें से द मूवमेंट, जैसे तुमने पिछले वाले में मुझे वो बताया था ना, जस्ट अ सेकेंड. या जैसे इससे पिछले वाले में तुमने बताया था ना मुझे कि तुम्हारे पर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. तुमने ऑब्जर्व किया, तुम्हारी मिस्टेक्स बहुत कम थी, लाइक 90% करेक्ट था, है ना. हाँ. एक दो माइनर मिस्टेक्स थी. सो सेम थिंग तुम्हें यहाँ पे भी करना है, सेम एक्टिविटी इनमें भी करनी है. कवर पक्का, क्लियर है? पहले ही बताओ आइडिया. तीनों चीज. हाँ, नहीं, तीनों चीजों को पढ़ना है. तीनों चीजों को पढ़ना है. यू हैव टू स्टडी ऑल दीस थिंग्स एंड देन आफ्टर स्टडी पढ़ के फिर तुम्हें अपना बताओ. हाँ, अपना बताओ कि तुम कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करती हो. पहले बताओ तुम्हें कौन सी एक्टिविटी पसंद है. सोना मत बोलना, बिकॉज पता है जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मुझे सोना बहुत पसंद था. तुम बताओ.
बताओ फर्स्ट वन फर्स्ट हाँ तो ऐसा नहीं है कि लाइक इन्हीं में से ही कोई लिखना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इनमें से कोई कोई लिखना है, आप कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है, देन वोकैबुलरी ये वाली इंपॉर्टेंट है, देन सीजन्स के नाम है इसमें, लीवेर ठंड, ले फ्रैतों फ्रैतों पतझड़ वाला, पतझड़ प्रातों होता है क्या, दूसरा होता है पहले बताओ, पतझड़ प्रातों पक्का? हम्म, कैसे पता? क्योंकि स्प्रिंग का एक तरह से फिर टाइम इसमें पता नहीं तुक्का ही भेड़ा है, तुक्का भेड़ा स्प्रिंग ये होता है, ठीक है, दिस इज उटोन इंग्लिश में तो सही है, चलो दैट इज करेक्ट। सुनो एक बात, सुनो मेरी बात, एक एक जब हम आर्टिकल्स कर रहे थे ल ला ले, जब हम आर्टिकल्स कर रहे थे कौन से, ल ला और ले वाले, ला ले, हाँ, तो क्या होता था ल ला ले वाले आर्टिकल्स में कि हम मतलब नहीं नहीं ल ला ले वाले आर्टिकल्स में, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी ए में वर्ब आ जाए, जब भी ए में वर्ब आ जाए, अदोरे वर्ब आ जाए, ठीक है, एयर, एक एयर वर्ब भी होती है मींस टू हेट, बट ये तुम स्किप कर सकती हो इस लेवल में, ठीक है, देन एक वर्ब होती है डिटेस्टे मींस टू हेट, कभी मतलब हेट होता है, वेरी गुड, डिटेस्टे। तो ये जो जितनी भी ये चीजें हैं ना, इसके अंदर क्या है हमारा कि मतलब जो वो होता है ना, क्या नाम है, जो आर्टिकल लगता है ना, आर्टिकल हमारा कौन सा लगेगा, आर्टिकल लगेगा डेफिनाइट ऑलवेज, ठीक है, आइडिया क्लियर है? पक्का? ठीक है, आप उसके अंदर, ठीक है, अदर, और जब तुम कोई भी चीज खाओगी ना, खाने वाने वाली भी कोई भी चीज होगी ना, व्हेनेवर देयर इज समथिंग ईटेबल, ईटेबल आइटम्स, और तुम्हें अगर वो ये वर्ब्स लगा रही हो, इन दैट केस ऑल्सो यू विल हैव टू यूज ल ला ले, आइडिया क्लियर है? ओके, ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर लाइक दीज आर नॉर्मल जनेम्पा ल स्पॉर, अच्छा जब नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव में हम लोग द लगा देते हैं ना, ठीक है, बट अगर आप एम ए वर्ब लगा रहे हो तो अगेन रूल सेम जाएगा, गॉट इट? ठीक है, ये एक्सप्रेशंस की लिस्ट है, ये याद करनी है, ठीक है, देन आफ्टर दिस थिंग, देन इसके अंदर रूटीन है, रूटीन्स वगैरह हैं, ठीक है, आप लोग क्या लिखते हो इसको पूरे को, दिस इज पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एक्चुअली थॉट मैं आज मतलब 4-5 तक करवा दूंगा, बट इट इज लाइक कमिंग लाइक टू मच, ठीक है, सो जितने भी प्रोनोमिनल वर्ब्स कौन सी होती हैं पता है, हेलो, प्रोनोमिनल वर्ब्स कौन सी होती हैं पता है, नहीं हमने नहीं किया प्रोनोमिनल वर्ब्स, याद नहीं, अरे चैप्टर 5 तक किया है हमने, हमने प्रोनोमिनल वर्ब्स की है, ठीक है, हेलो, सो दिस इज अ मिस्टेक, प्रोनोमिनल वर्ब्स जाके, प्रोनोमिनल वर्ब्स जाके रिवाइज करना, ठीक है, टाइम देखना आता है, सो दिस इज टाइम थिंग, जो टाइम हमारा होता है, अच्छा उसके बाद तुम क्या करोगे ना, इस फॉर्मेट में अपने बारे में लिख के दोगी मुझे, इस फॉर्मेट में अपने बारे में लिख के देना है आपको मुझे, ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा ये चीज, आइडिया क्लियर है? अब बात आती है, This is phonetic and all. अब देखो, je fais du tennis, ठीक है, je fais du jogging, je fais de la natation,
दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये, और वैसे भी इम्पोर्टेंट है ये पूरा ही पेज इम्पोर्टेंट है एक्चुअली. मतलब लाइक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यू विल लर्न ना कि फेयर ड्यू का स्ट्रक्चर लग जाएगा. मतलब कोई भी चीज करते हो ना, लाइक टेनिस खेल रहे हो ठीक है, तो उस टाइप में, या फिर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो यू फेल यू ठीक है कर रहा. सो दिस इज द थिंग. फ्यूचर प्रोश पता है तुम्हें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस आले वर्ब प्लस एनीथिंग और सेकेंड वर्ब ठीक है. सब्जेक्ट क्या है? ये वे पार्ले, आई विल स्पीक. जब भी तुम्हें फ्यूचर टेंस में कोई बात बोलनी हो ना तो सब्जेक्ट आएगा प्लस आले वर्ब आएगी प्लस में कुछ भी आ जाएगा, मतलब वर्ब टाइप में कुछ भी आ जाएगा सेकेंड वर्ब ठीक है. आले वर्ब को इसके हिसाब से कॉन्जुगेट करना है एंड देन इसको एज इट इज रखना है. एंड चलो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब ना फ्यूचर टेंस का भी एक वो भेज दूंगा, फ्यूचर टेंस का एक एक्सरसाइज भेज दूंगा ठीक है. ठीक है ओके. जब उधरा छोंजे द वी पास के जन्म पा ब्ला ब्ला ब्ला. नहीं नहीं ये अभी मत करो, एक मिनट. अच्छा सुनो मेरी बात, जब भी कोई पोलाइटनेस से बात बोलनी हो ना कि लाइक आई वुड लाइक टू, तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अभी के लिए याद रख लो क्योंकि कंडीशनल ए वन में नहीं बताया जाता. तो ये वुद्रे मीन्स आई वुड लाइक टू. मतलब जब भी हमें कुछ पोलाइटली बोलना हो तो जब वुद्रे बोलेंगे पहले. अगर देखो ये ना ये एक बार रीड मार लेना, रीड तो करना है, रीडिंग तो करनी है इसकी ठीक है. अब ये प्रेफर ला म्यूजिक, देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रेफेरे वर्ब होती है ना, प्रेफेरे वर्ब. ये मेरे को नहीं पता, ये शायद मैंने नहीं करवाया. प्रेफेरे वर्ब की जो कॉन्जुगेशन मैंने मैं जल्दी से बताई नहीं. य प्रेफेर, इसको कॉन्जुगेशन को लिख लो. और जो ऑब्जर्व करने वाली चीज के अंदर है वो ये है एक्सेंट्स ठीक है, इनको ऑब्जर्व करना ध्यान से. गॉट इट? यू प्रेफेर, इल प्रेफेर, एल प्रेफेर, नू प्रेफेरो में ऐसा आएगा नहीं आएगा तुम मेरे को थोड़ा सा सोचिए बताओ. वो प्रेफेरे, चलो अब हिंट दे दिया, अब बताओ इसकी इस कॉन्जुगेशन में स्पेलिंग क्या होगी, बताओ बताओ बताओ. P-R-E-F-E. P-R-E-F-E-R-O-N-S. Very good. Good. Idea clear है? ये idea clear है सारा conjugation का prefere verb ठीक है. तो ऐसे करके जो भी वर्ब होगी ना जिसके आगे जिसमें दो एक्सेंट ऐसे करके आएंगे तो उसमें इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे ऐसे एक बार दो बार तीन बार फिर चार बार फिर ये वाला. ऑल राइट ऑल राइट. सो प्रेफेरे का मतलब टू प्रेफर है
अभी है जो प्रेफर ला म्यूजिक आई प्रेफर म्यूजिक जो प्रेफर द ला म्यूजिक ऑलराइट जेम मियर ल टेनिस ऑलराइट गॉट इट पक्का मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर और जवाब भी नहीं दूंगा अभी भी सोच लो बताओ अच्छा सुनो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में एक छोटा सा फर्क है इसमें है जे प्रेफर ला म्यूजिक और इसमें है जे प्रेफर द ला म्यूजिक इसमें फर्क क्या है सेंटेंस में बताओ इसमें हमने म्यूजिक को प्रेफर किया और इसमें हमने म्यूजिक को मतलब फार मतलब टू डू होता है पार नहीं होता देखो तुमने अपनी कॉन्जुगेशन सही करो ये प्रेफर द ला म्यूजिक फेयर ये प्रेफर फेयर द ला म्यूजिक फेयर फेयर मतलब टू डू होता है करने के लिए प्रेफर किया ठीक है अब जैसे शॉपिंग करनी है तो इसमें क्या आएगा ये प्रेफर फेयर ये एक्चुअली ई है ड्यू शॉपिंग ओप्स शॉपिंग ठीक है अब ये देखो ये वुद्रे मींस आई वुड लाइक टू ये ऑन वी द आई हैव द डिजायर टू ये व आई वांट टू गॉट इट इस टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है समझ में ये रिवाइज करना है ऑलराइट ये मतलब नॉर्मली एक्टिविटीज है लाइक दीज आर कल्चरल नॉर्मल कल्चरल ओके कल्चरल लिख दिया सिनेमा कल्चरल हाँ कल्चरल है स्पोर्टिव है मैनुअल है ये थोड़ा सा देख लेना नॉट सो इम्पोर्टेंट बट ये डेल्फ एग्जाम्स में आ सकता है डेल्फ एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ऑलराइट देन ये वोकैबुलरी है ये वोकैबुलरी है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑलराइट ओके एंड ये लगभग हमने सारा कर ही लिया है सी ये है फ्यूचर प्रोश देखो फ्यूचर टेंस ठीक है देखो फ्यूचर में ना दो फ्यूचर होते हैं इन फ्रेंच लैंग्वेज एक तो होता है फ्यूचर सैंपल मतलब मैं करूंगा कभी ना उस टाइप में एक रहता है फ्यूचर प्रोश जो हमने बताया है ना भी आले वर्ब के साथ मतलब हाँ. आले वर्ब के साथ ये वाला है गॉट इट ओके ठीक है अच्छा सुनो एक काम करोगी सी तुम्हारा जो कॉम्प्रिहेंसिव इक्रीट लास्ट वाला था वो एकदम करेक्ट था ठीक है बट इसमें क्या करना okay. है ये एक्चुअली एग्जैक्टली A1 लेवल का है सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ठीक है मतलब इसको पढ़ते हुए व्हाट यू हैव टू टेक केयर इज वन थिंग फुल सेंटेंसेस लिखने हैं ठीक है इसमें तुम डिक्शनरी यूज नहीं करना ऑलराइट नो डिक्शनरी गॉट इट ठीक है ये थोड़ा सा वैसे मैं थोड़ा सा यूज नहीं करती पक्का नहीं किया था लास्ट टाइम डिक्शनरी यूज लास्ट टाइम थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आ रहा था सिर्फ वही करा था हाँ तो डिक्शनरी मैं मेरे को हैरानी हुई मतलब वाओ ठीक है और सेजों कैथ सुवरीर आला क्यूल्टियर सो चलो इसको इतना ही रहने देते हैं रुक जाओ